गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम नौका में आंगनबाड़ी केंद्र 16 में बच्चों, धात्री महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की जगह दिया गया सड़ा हुआ चावल, दाल और आलू। पीड़ित बच्चों की माताओं ने सड़ा हुआ पोषाहार को लेकर भंडरिया प्रखंड सभागार में विधायक आलोक चरसिया को दिखाया। सड़ा हुआ अनाज देख विधायक सुधार करने की बात बोले एवं BDO विपिन कुमार भारती महिलाओं की शिकायत पर भड़क गए एवं फटकार लगाते हुए महिलाओं को भगा दिया। शिकायतकर्ता दर्जनों महिलाएं निराश होकर वापस चले गए। ऐसे प्रखंड में सड़े गले दाल चावल लगातार आंगनबाड़ी केंद्र में सप्लाई होते दिख रही है। झारखंड सरकार द्वारा जच्चा बच्चा, धात्री महिला एवं गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक आहार निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा सड़ा हुआ अनाज वितरण करवाया जाता है। अब इसकी शिकायत बच्चे की माताएं करें तो कहाँ करें, कोई इसकी सुनने वाला नहीं। महिलाओं का कहना है कि 8 माह के बाद 4.5 किलो सड़ा पोषाहार मिला है। आगे बताते चले कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए प्रोटीन युक्त पोषाहार देने का प्रावधान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।